डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये एक्सरसाइज 44 क्लास 5 का मैथ है, चैप्टर 7, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक क्लियर हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 19 से यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, और फिर क्वेश्चन नंबर 24 में ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, 1 किलोग्राम ऑफ रेडिस कॉस्ट इतना, और हाउ मच विल इतना केजी कॉस्ट, 1 किलो मूली का कीमत इतना है, तो फिर इतना केजी 3.5 केजी का क्या कीमत होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लाई ही दिया हुआ है, इसमें ज़्यादातर मल्टीप्लाई हम लोग बनाए हैं, और वर्ड प्रॉब्लम में भी मल्टीप्लाई ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको जो है मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, और यहाँ पे मैं सोल्यूशन बना दे रहा हूँ इसका। तो सबसे पहले कॉस्ट, 1 केजी का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, तो हम उसको लिख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 केजी रेडिस, 1 किलो मूली का कीमत दिया हुआ है इक्वल टू ₹4.60, इतना हो गया। तो फिर वही हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ 3.5, मतलब 3.5 केजी रेडिस का कीमत क्या हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है इसमें, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख के बना दे रहा हूँ, लेकिन ये नीचे क्लास का है, 5 क्लास का मैथ है, तो आप बिना स्टेटमेंट दिए भी आप डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी ये आपका गलत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप अगर डायरेक्ट इसको भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0 हो गया, और 6 5 30 हो गया, तो 0 3 बचा हुआ है, और 5 4 20 20 और 3 23 हो गया, 23। फिर यहाँ पे 1 क्रॉस लगाएं, और यहाँ पे 0 हो गया, और 6 3 18, तो 8 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 4 3 12 और 1 13 हो गया, 13 लिख देते हैं, यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे 11 हो गया, फिर यहाँ पे 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ 1, तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, और यहाँ तो 3 डिजिट हो रहा है, 1 2 3, और यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद जो है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ₹16 इतना में भी छोड़ सकते हैं, और इसमें 1 जीरो भी लगा सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा ये 19 का। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे 20 ले लेते हैं। 20 में क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ए कार गोज 18.5 किलोमीटर इन ए लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में इतना दूर एक कार चलती है, वरुण हैज इतना लीटर पेट्रोल, अब उसके कार में इतना लीटर पेट्रोल है 7.3, तो हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन ही ड्राइव हिज कार, मतलब उसका कार कितना दूर जा सकती है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ए कार गोज इन 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू कितना हो गया, 18.5 किलोमीटर, तो फिर एक कार गोज इन कितना लीटर था, 7.3, इतना लीटर पेट्रोल है, तो फिर वो कितना दूर जाएगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है इससे, 7.3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया, पॉइंट बाद में हम लोग लगा लेंगे, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 हो गया, 1 बच गया, 8 3 24 और 125 हो गया, तो 5 और फिर 2 बच गया है, यहाँ पे 3 और 2 5 हो गया, और 7 5 35, 1 क्रॉस लगा देंगे, 35 के 5 हो गया, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 7 8 56 हो गया, 56 और 3, तो 59 हो गया, 5 बचा हुआ है, 7 1 7 और 5 7 5 12 हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, 5 10 0 हो गया, और यहाँ पे 14 और 1 15 हो गया, और यहाँ पे बचा हुआ है 1, तो ये 3 हो गया, और ये हो गया 1, तो पॉइंट कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, मतलब 2 डिजिट के बाद,
यहाँ पे, तो 135.05 किलोमीटर हो जाएगा, इतना किलोमीटर, और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्कूल यूनिफॉर्म कॉस्ट्स इतना रुपीज़, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 यूनिफॉर्म्स। अगर एक यूनिफॉर्म का कीमत इतना है 250.30, तो फिर 20 यूनिफॉर्म का कीमत कितना होगा, जिसमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, द कॉस्ट ऑफ वन यूनिफॉर्म इक्वल टू 250.30, ये रुपीज़ हो जाएगा, रुपीज़ का सिंबल लगा देते हैं, और यहाँ पे तो फिर द कॉस्ट ऑफ 20 यूनिफॉर्म्स, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है पहले से दिया हुआ है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये लंबा सा हो सकता है, तो इसको हम दूसरा फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं, टू इसको इस तरह से कर सकते हैं, हम इतना लिख सकते हैं, पॉइंट के इधर जो जीरो रहता है उसका वैल्यू नहीं होता है, तो हम इतना लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पॉइंट हम हटा सकते हैं, इसका पॉइंट जो है हट जाएगा, ये पॉइंट अगर हट गया तो नीचे में क्या आएगा, 10 आ जाएगा, मतलब यहाँ पॉइंट अभी नहीं है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, ये 20 लिख दिए, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, बचा क्या 2, तो यहाँ पे हो गया कितना 2503, और ये मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, और ये तो 0 हो गया यहाँ पे, 5 2 10 फिर 0 होगा, 1 बचा हुआ है, 2 2 4 और 1 5 हो गया, इतना, तो इतना रुपीज़ आंसर हो जाएगा, 20 यूनिफॉर्म्स का कॉस्ट इतना हो जाएगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं, अमरीश वॉक्स इतना किलोमीटर एन आवर, एक घंटे में वो इतना दूर चलता है, इतना किलोमीटर चलता है, वन डे ही वॉक्स फॉर इतना आवर्स, वो 2 घंटा से ज़्यादा, मतलब इतना 2.4 यहाँ पॉइंट है, आवर्स फ्रॉम होम टू हिज स्कूल, अपने स्कूल से वो जाने में इतना समय उसको लगता है, हाउ फार इज हिज स्कूल फ्रॉम होम, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, अमरीश कैन वॉक इन वन आवर, एक घंटे में कितना चलता है वो, इक्वल टू 3.5 किलोमीटर, इतना चल रहा है, तो फिर वो कितना और देर चलता है, अमरीश कैन वॉक, एक दिन वो कितना चलता है, स्कूल जाने में उसको लगता है 2.4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 2.4 आवर्स, अमरीश इतना आवर्स में कितना दूर चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना पहले दिया हुआ है एक घंटा में, और इतना जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका 2.4, जिसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.5 और 2.4, ये हो गया, 5 4 20 हो गया, 0 2 बचा हुआ है, 4 3 12 12 और 2 14 हो गया, और यहाँ पे 35 हो रहा है, 2 70 होता है, तो एक क्रॉस लगा देते हैं यहाँ पे, और 70 यहाँ लिख देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं 0 4, और यहाँ पे हो गया 8, तो 12 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है यहाँ, तो इसका मतलब है कि उसका घर से स्कूल की दूरी कितना हो गया, इतना किलोमीटर हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.4 किलोमीटर, और ये होगा आंसर, कंप्लीट हो गया।